इजाज़ अहमद गिलानी इस वक्त होराइजन स्पोर्ट्स गाला लेकर होराइजन कॉलेज चकवात से आपसे मुखातिब है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक होराइजन कॉलेज के ही दोस्त हैं हमारे। आइए इनसे ही इनका नाम भी पूछते हैं और तारफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, योर गुड नेम? नाम मेरा होराइजन कॉलेज में एडमिन ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से होराइजन कॉलेज से स्पोर्ट्स गाला जो स्टार्ट हुआ था हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी सर, और माशाल्लाह अभी भी क्रिकेट का मैच खेल चुकी है। 4 ओवर में 46 रन का टारगेट है। हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया ने इतना बाउंड कर दिया है, घरों से बाहर निकल ही नहीं पाते। ग्राउंड वीरान होते जा रहे हैं, ग्राउंड वीरान नहीं होंगे तो हॉस्पिटल आबाद नहीं होंगे। क्या मैसेज है कि ग्राउंड वीरान नहीं होंगे तो हॉस्पिटल आबाद नहीं होंगे, और ये खूबसूरत मैसेज है। हमारे ग्राउंड्स को आबाद करना चाहिए ताकि हॉस्पिटल वीरान हो। हमारे जो आजकल की यंग जनरेशन है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले और अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त रखे। अच्छा, आप खुद माशाल्लाह यंग हैं, हैंडसम हैं, और इसका क्या राज है? कोई आप ही गेम खेल सकते हैं? क्रिकेट खेलता रहा हूँ मैं, बहुत सी ऑलराउंडर हूँ। ऐसा क्रिकेट है, क्रिकेट भी खेली है मैंने, फुटबॉल भी खेली है मैंने, टेबल टेनिस मैंने खेली है, आपके साथ भी काफ़ी मैचेस अच्छे रहे हमारे। अच्छा, ये सर आज मौसम जो है इसके हवाले से आप कोई दो लाख बोल दें। क्रिकेट तो ये है कि बहुत अच्छा मैच हो रहा है, लेकिन फुटबॉल के लिए आज थोड़ा ग्राउंड मुनासिब नहीं है मौसम, लेकिन ये सही स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए बेस्ट मौसम है ये खेलने के लिए। लगता ये है कि किस्मत ने होराइजन स्पोर्ट्स गाला इस वीक में मेहरबानी की हुई है, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी जैसी यंग जनरेशन को कि वो स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स को कितना अपने साथ रखें? सर, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें हम ये होता है कि हम कॉलेजेस में आते हैं, पढ़ते हैं, किताब उठाई, बैग बंद किया और घर चले गए, फिर हम जाके सोशल मीडिया पे बैठ के फेसबुक यूज़ की, व्हाट्सएप यूज़ किया, ट्विटर सारा दिन बैठा रहा। ग्राउंड में जब हम आबाद नहीं करेंगे तो ये है कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। क्रिकेट का मैच हो रहा है, फुटबॉल के हो रहे हैं, इस तरह हमारे टेबल टेनिस के मैचेज हुए हैं, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और एक्टिविटीज़ होराइजन स्पोर्ट्स गाला 2022 में हुई हैं। इसलिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बाकी भी जो कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन होना चाहिए ताकि पूरे जो चकवाल के मेन टैलेंट हंट है वो हमारे सामने आए कि चकवाल में कितना टैलेंट इस टाइम मौजूद है। जी नाज़रीन, असन मोहिद्दीन साहब एडमिन ऑफिसर होराइजन कॉलेज चकवाल ये मैसेज दे रहे थे कि पूरे ऑल ओवर कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट चकवाल के उनके दरमियान जो है वो मुकाबला जात होने चाहिए, और हम ये ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड मौजूद हैं और एक टाइम में बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं, पर बड़ा खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया